नमस्कार, आज हम अनियमित महावारी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो जो अनियमित जो महावारी होती है वो हो सकती है कि किसी को बहुत ज़्यादा आती हो या होती हो सकती है कि जल्दी जल्दी आती हो, किसी को कम भी हो सकता है। तो ऐसे कई केसेस में जिनको महावारी ज़्यादा आती है उसमें हम ये बोलते हैं कि हम बायोप्सी करना चाहते हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बायोप्सी आप क्यों करना चाहते हैं और अगर बायोप्सी के बिना इसका इलाज संभव है कि नहीं और हम अपनी बच्चेदानी को बिना बायोप्सी के ही निकालना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं सभी को आज ही एड्रेस करना चाहूँगी और सबको ये इस बात की जानकारी देना चाहूँगी कि क्यों बायोप्सी ज़रूरी होती है। देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास जो कि 40 के आसपास के जो मरीज़ होते हैं वो हमारे पास आते हैं महामारी की प्रॉब्लम्स लेके, तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर करते हैं वो अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड को देख के फिर वो बताते हैं कि क्या उनको लग रहा है, क्या फाइब्रॉइड है या कुछ और परेशानी है, झिल्ली मोटी है या हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो जो 40 वर्ष के आसपास जिनको ये परेशानियाँ होती हैं उनको जो है सस्पिशन जो होता है यूट्रस कैंसर का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी उम्र कम होती है या जिनको बहुत कम दिनों से परेशानी है। जिनको ज़्यादा दिनों से अनियमित महावारी है उनको भी सस्पिशन जो है कि कैंसर की शुरुआत हो सकती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सर्जरी करने से पहले। तो इसीलिए डॉक्टर ये बताते हैं कि बायोप्सी करवा लीजिए। बायोप्सी में अगर कुछ आता है कि हार्मोनल गड़बड़ी है या हार्मोनल गड़बड़ी नहीं कुछ और है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट इसका डिसाइड हो जाता है। और अगर कैंसर निकलता है तो कैंसर की सर्जरी जो है एक नॉर्मल हिस्टेरेक्टमी से अलग होती है, तो ऐसे में जब हमें पता चल जाता है तो आधी अधूरी सर्जरी नहीं पूरा इलाज सही ढंग से मरीज का हो पाता है क्योंकि हम डायग्नोसिस पूरी तरह से बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये कैंसर है तो बायोप्सी करने से ये फैल तो नहीं जाएगा, तो इसकी भी मैं ये बताना चाहूँगी कि बायोप्सी लेने से जो यूट्रस का कैंसर है वो नहीं फैलता और बल्कि हमें हमेशा फ़ायदा होता है क्योंकि हम जो सर्जरी बाद में करने वाले हैं वो उस पर डिपेंडेंट होती है कि किस तरह का कैंसर है वो और कौन से ग्रेड का कैंसर है। और अगर कैंसर नहीं है तो सिंपल हम दवाइयों से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, मिरिना से ट्रीट कर सकते हैं अगर कैंसर नहीं है तो, ये सब चीज़ें ट्राई की जा सकती है। अगर कैंसर है तो उसका तरीके से इलाज हो सकता है। आशा है कि आपकी ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया होगा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।